अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरी पूरी YouTube फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज आए हुए हैं हम देरा दुबई मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ देरा का व्यू, वॉक टूर मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को पूरी देखना। तो करते हैं व्लॉग स्टार्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। दोस्तों, ये जो मार्केट है ना, ये पूरी ही कपड़े की मार्केट है। देरा नाइफ में जो है ना, ये यहाँ पे पूरा होलसेल में कपड़ा, शूज़ और डिफरेंट चीज़ जो है ना यहाँ पे मिलती है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे पूरा ब्लैंकेट, ये पूरी कपड़े की मार्केट है इस तरह से ना। ये आप लोगों को मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखना। यहाँ पे देखो पूरी अबाय की दुकान है, और यहाँ पे होलसेल में शूज़, अबाय, बैग, लेडीज़ बैग, जेंट्स बैग, ये हर तरह का पूरा सामान मिलता है। ये जो सामने इमारत देख रहे हैं, ये है दुबई सूक की सबसे बड़ी इमारत, इसको दुबई सूक भी बोलते हैं। इसके अंदर भी सब कुछ आपको मिलता है। ये सामने बड़ी मस्जिद है, ये अलमनाहल सेंटर है। दोस्तों, देरा दुबई के अंदर सबका बस स्टैंड के इर्द गिर्द जितने भी दुकानें हैं, ये सब जो है ना होलसेल में सामान बेचते हैं, और जितने भी लोग शॉपिंग करके जाते हैं यहाँ से मोस्टली लोग आते हैं और शॉपिंग करके ले जाते हैं। जैसा कि दुबई का परफ्यूम है, घड़ियां हैं, या और भी बहुत चीज़ें हैं, अबाया हो गया, और लोग फरमाइश करते हैं कि ये चीज़ें जो है ना ले आएं। तो लाइक 70-80% लोग जो है ना यहाँ से ही सामान लेके जाते हैं। इस जगह से
बहुत से आउट ऑफ कंट्री इनसाइड आउटसाइड पूरे जो बंदे सामान ले लेके ना फिर कार्गो भेजते हैं। फिर हर किसी का अपना सीन है कि भाई मोस्टली बंदे जो है ना यहाँ से सामान ले जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से सामान लेके फिर किसी को गिफ्ट करते हैं, या अगर कोई किसी का बिजनेस है तो वहाँ जाके बेचता है। यानी कि हर बंदे का एक अपना सीन, अपना काम का तरीका कार है, जो जैसे करता है। लेकिन मोस्टली जो बंदे हैं ना यहाँ से ही सामान लेके जाते हैं। अगर हम मैं इस साइड की बात करूँ तो ये सामने दुबई अबरा की तरफ जाता है, ये मेरे सामने जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दुबई अल सबका बस स्टेशन है। सबका बस स्टैंड के करीब आपको जो है ना, जब यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही मोबाइलों की दुकानें मिलेंगी जो होलसेल में बेचते हैं, रिफ्रेश मोबाइल बेचते हैं, चाइना वाले भी मोबाइल बेचते हैं। तो लोगों को पता नहीं चलता कि रिफ्रेश है, ओरिजिनल है, ये उनकी ईमानदारी के ऊपर है। जो जो चीज़ लेना चाहता है वो उसको वही दिखाते हैं, उस हिसाब से डील करते हैं। ये नहीं है कि दिखाते हैं चाइना का मोबाइल है तो दे ओरिजिनल देते हैं, या ओरिजिनल दिखा के चाइना का दे देते हैं, ऐसा सीन नहीं है भाई। यहाँ पे बिजनेस वाली जगह है ना तो बहुत ही रश होता है, बहुत लोगों की आमद रफ्त होती है यहाँ पे, देख रहे होंगे बहुत रश है यहाँ पे। और इस साइड में पूरे जो है ना ये बैग वाले बैठे हैं, गिफ्ट वाले, छोटे बैग, कैप्स और लगेज वगैरह जो बेचते हैं, और ब्लैंकेट भी। दुबई का ब्लैंकेट मशहूर है, यहाँ से बंदे लेके जाते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये देख रहे हो कि जो गलियों के अंदर भी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया आपको कि इस साइड में पूरी मोबाइल की ही मार्केट है, आपको हर तरह का मोबाइल मिलेगा, ठीक है ना, सस्ता भी, महंगा भी, रिफ्रेश, ओरिजिनल, हर तरह का। लेकिन आपके साथ धोखा कोई नहीं करेगा, आपको ओरिजिनल बना के दो नंबर कोई नहीं देगा। भाई इतना रश है देरा की मार्केट में, सोच नहीं सकते कि पता चलता है ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, इतना रश है। और ये जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक्सचेंज, उसके ऊपर हर कंट्री का रेट लगा हुआ है कि एक्सचेंज वाले इतने में ले रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं। बहुत बड़ी एलसीडी उन लोगों ने लगाई हुई है कि किसी के लिए कंफ्यूजिंग ना बने। और आउट ऑफ कंट्री से जो भी आते हैं ना, बहुत से लोग जो है ना पैसे ले आते हैं अपनी कंट्री के, तो यहाँ पर मोस्टली एक्सचेंज करवाते हैं। देरा में ये बहुत बड़ी एक्सचेंज है, और यहाँ पर अगर अंदर जाएँ तो आपको टोकन मिलता है कि अपनी बारी का इंतज़ार करें, तो कम से कम 10-15 मिनट तो ज़रूर ही लग जाते हैं। अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इस वजह से दिखा नहीं सकते।
ठीक है ना, सिग्नल के आसपास जितने भी दुकानें मिलेंगी आपको पूरी ही परफ्यूम की मिलेंगी। आज पता नहीं यार, यहाँ पे बहुत ही रश है विजिटरों का ना, शायद सीज़न भी है तो यहाँ पे विजिटर बहुत ही हैं। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे तो आपको पता है बिजनेस एरिया है, तो लोग जो है ना परचेज करने के लिए दूर दूर से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं यहाँ पे ये लोग। ये देख रहे हो, अगर कहीं बाहर से लेने के लिए जाओ तो ये चीज़ जो है ना आपको कम से कम मेरे हिसाब से आपको 30-40 दरम में मिलेगी, जो चीज़ यहाँ पे 10 दरम की बिक रही है। इन दुकानों से पूरा जो है ना देसी सामान मिलता है, क्रीम है, देख रहे हो। ये ऊद रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसकी लोग स्मेल ले रहे हैं, खुशबू। भाई आप लोग सर्दियों में देरा दुबई आए आउट ऑफ कंट्री से या दुबई से किसी दूसरी जगह से, तो आप जो है ना जैकेट ना लेके जाएं, ये हो नहीं सकता। ये मेरे पीछे सामने देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पे जैकेट का सामान मिलता है, जैकेट ये पूरा ही सर्दियों का जो है ना यहाँ पे पूरा सामान मिलता है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पूरा खिलौने वगैरह का सामान मिलता है यहाँ पे साइड से, देख रहे हो भाई। जो बंदा साल दो साल यहाँ पे लगा के जाता है तो जहरी सी बात है अपने बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि लोग कमाई उनके लिए कमा रहे हैं, तो साफ साफ सी बात है, तो उनको खुश करने के लिए तो ज़रूर ही लेके जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो है ना आपको जैकेट्स मिलेंगे यहाँ पे। इस एरिया में आपको पूरा कपड़ा, जैकेट्स, आपको सर्दियों का पूरा पूरा जो है ना, ये देख रहे हो, आपको पूरे का पूरा सर्दियों का यहाँ पे सामान मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं गली के अंदर भी छोटी छोटी दुकानें हैं, तो सामान से भरी हुई हैं। ये भाई बिजनेस की जगह है, बंदे यहाँ आकर बिजनेस ही करते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्रीट है ना देरा की, ये भी सबसे बड़ी स्ट्रीट है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड का बिजनेस होता है, और आपको सिरामिक का पूरा सामान मिलेगा और मशीनरी भी आपको पूरी पूरी मिलेगी। आपको हर तरह का यहाँ पे जो है ना सामान मिलेगा, और वो भी होल सेल में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 3-4 फ्लोर की जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दरअसल पार्किंग ही है, आपको नज़र भी आ रही होंगी, और ये पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।
और यहाँ पे सबसे बड़ा मज़ा ये है कि जितनी गाड़ी अंदर जाएंगी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि इतनी गाड़ी अंदर चली गई। ये देख रहे हो तो इतनी की जगह रहती है। ये एंट्रेंस है पार्किंग का, अल सब का कार एंट्रेंस कार पार्किंग। अच्छा भाई, ये अपने दिमाग में मत सोचना कि यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे क्या होगा और कितनी क्वांटिटी में ये लोग सामान बेचते होंगे। दुकान आपको छोटी दिखे या दुकान आपको बड़ी दिखे, यहाँ पे जो सामान आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए सामान आपको उतना ही क्वांटिटी में मिलेगा। लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है यहाँ पे। और मेरे जो दोस्त अफ्रीका से देख रहे हैं, whoever from Africa to watch my video, especially from far from Africa, because they sending me mostly to make for in English. So this mostly video for my Africans friend YouTube families. Okay, so they are mostly asking me to show us generator, power soul, because they want to buy power soul about trimmer. Don't think about they are small market, they are very big market. You can come to visit here directly and you see yourself. There is lot of things to buy and send your countries, buy and sell in your countries. Me, I'm reach here very late. I come to late this market, so many shop close. So inshallah for the next vlog I make like a daytime, so I explore all the market, I show you. There is all ceramic things, hardware shops, electronic things like a generator, all big machines like what you looking you can find from here or this market. I'm trying to show you reach your point, same like what I show you this shop. They looks like small, but don't think they are small shop, they are like very big. They has a store in Sharjah, Ajman or in Dubai. बिल का काम
तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है बनियास मेट्रो स्टेशन। हम चलते चलते जो है ना बनियास पे आ गए। और ये भी जो कमाल की जगह है, ये बनियास मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस है। यहाँ से लोग जो हैं देख रहे हो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सामने वाला जो है ना ये बनियास टावर है, ये होगी। और यहाँ पे भी आपको मोबाइलों की दुकानें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े होटल्स जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया है आपको तो मेरा YouTube चैनल संगत व्लॉग को सपोर्ट ज़रूर करना, और रेड बटन को ज़रूर आपने क्लिक करना है, जो उसके साथ एक बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना है आपने, क्योंकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तो आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, वी मीट अगेन द नेक्स्ट व्लॉग।